केंद्र सरकार के नीतियों को जन विरोधी बताते हुए राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा निकाला गया प्रतिवाद यात्रा। इसी बीच देखिए भाटपाड़ा में एक रैली निकालने के पहले प्रतिक्रिया देते हुए हमारे संवाददाता से क्या कहा तृणमूल हिंदी सेल के जिला सभापति तथा पार्षद अमित गुप्ता ने। ब्लैक हार्बर मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट सब रकम खबर सुंदर प्रतिष्ठान एवं फ्री होम डिलीवरी सुव्यवस्था। The Black Harbor, 225/1RBC Road, Noihati। हम बात कर रहे हैं उस पश्चिम बंगाल के जहां पर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेशानुसार उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेतागण है, वो केंद्र के नीतियों के खिलाफ प्रतिवाद रैली यानी मिचिल कर रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में चल रहा है, आज ऑकलैंड मिल से पूरे भाटपाड़ा तक इस मिचिल को जाना है और यहाँ उपस्थित रहेंगे बैरकपुर लोकसभा के सांसद टीएमसी लीडर अर्जुन सिंह, साथ ही साथ उत्तर हमारे साथ उपस्थित है अमित गुप्ता, उत्तर 24 परगना के हिंदी प्रकोष्ठ के जिला सभापति है। सर क्या कहेंगे आज जो ये मिचिल निकलेगा? आज केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीति है, अगर आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह मूल्य विधि को लेकर आज निश्चिंत होकर लोगों को किस तरह से प्रताड़ना कर रही है, पेट्रोल डीजल गैस जरूरी सामग्री का दाम जिस तरह बढ़ते जा रहा है, उस पर लगाम नहीं कसा जा रहा है, जिसका प्रभाव आम लोगों पर पड़ रहा है। साथ ही साथ 100 दिन का जो काम है मनरेगा का, आज उससे किंतु बहुत लोगों का जीविका चलता था, आज वो 100 दिन मनरेगा का काम का पैसा केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया गया है, जिससे हमारे राज्य पश्चिम बंगाल के लिए, जिससे पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बड़ा क्षति पहुंचा है। उसी के प्रतिवाद में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर आज हम लोग किंतु रास्ते पर उतर रहे हैं केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए, क्योंकि जल्द से जल्द आप अपने इस नीति को प्रत्याहार करें और गरीब लोगों के जीवन से ना खेलें। जल्द से जल्द 100 दिन का जो मनरेगा का काम है वापस हम लोगों को यहाँ पैसा भेजा जाए, ताकि लोगों का जीविका चले और जो मूल्य विधि है उस पर आप लोग कंट्रोल करें, ताकि आम लोगों का जीवन सामान्य हो। ये प्रतिवाद मिचिल से अगर ये मसला हल नहीं होता है तो क्या करेगी ये सरकार? देखिए, गणतंत्र में प्रतिवाद ही एक जरिया है जिसके द्वारा आप अपनी बातों को उच्च लेवल तक पहुंचा सकते हैं, अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा किसान आंदोलन, दीर्घ दिन किसान आंदोलन चला, किसानों ने अपने आवाज को बुलंद किया, कई लोगों को बलिदान भी देना पड़ा, किंतु अंत में जाकर ये मोदी सरकार को, ये केंद्र सरकार को किसानों का बात मानना पड़ा और किसान बिल को प्रत्याहार करना पड़ा। तो ये जो आंदोलन है ये तो एक टोकन है, ये चिंगारी का काम करेगा। आने वाले दिन में देखिएगा सारा बंगाल एक होकर आंदोलन में उतरेगा और केंद्र सरकार बाध्य होगी अपने बातों को वापस लेने के। हमने हाल फिलहाल देखा था कि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाम लगाया गया था। वहीं स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री और कई जगहों के मुख्यमंत्री जो है उस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पेट्रोल का दाम 60-70 रुपया 80 रुपया था, वहाँ आप 110 रुपया बढ़ा कर अगर 5 रुपया कमाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि आप 20 रुपया बढ़ा कर 4 रुपया कम करके कहते हैं कि हम कम कर दिए हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आने वाले दिन में भारत का इकोनॉमी भी आप देख रहे किस जगह पे जा रहा है, आज आपको इस चीज़ के लिए विचार करना होगा। जिस तरह किसान बिल का आप प्रत्याहार किए हैं, उसी तरह मूल्य विधि को जो आप डिप्लॉय किए हैं इसका भी प्रत्याहार करेंगे और साथ ही साथ मनरेगा का भी पैसा भेजेंगे, ताकि गरीब लोगों के पेट में लातना पड़े। जैसा आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में ये जो प्रतिवाद रैली रहेगा GDP को लेकर, यही एक अहम मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर? 100%, क्योंकि आज मोदी सरकार फेलियर है। क्योंकि आज जितने भी केंद्र संस्थान थे, आप देखिए रेल भेल सेल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हर चीज़ का प्राइवेटेशन हो रहा है। आज यहाँ पर गरीब का बच्चा मेहनत करके पढ़ाई इसलिए करता था कि केंद्र सरकार में एक नौकरी मिलेगी, घर संसार चलेगा। एक लड़का भी अगर केंद्र सरकार में नौकरी मिलता है या राज्य सरकार में, तो उसका पूरा परिवार उस पर डिपेंड होकर रहता है, सभी का पालन पोषण वो करता है। किंतु आज जब आप ये सब सरकारी संस्थान, केंद्र सरकार के संस्थानों को आप जब प्राइवेटेशन कर दीजिएगा, अंबानी और अदानी जैसे लोगों को हाथ में बेच दीजिएगा, तो ये जो लोग काम करते थे वो कहाँ जाएंगे? अन्यथा वहाँ भी कंट्रैक्ट सिस्टम चालू हो जाएगा, ना PF मिलेगा ना ग्रेचुटी मिलेगी, रोज काम कीजिए रोज का पैसा लेके जाइए। तो ये आने वाले दिन में नए जनरेशन को अंधकार दिखाई दे रहा है,
इसी सब को लेकर किंतु आने वाले 2024 में भारतवर्ष की जनता ममता बनर्जी की ओर देख रही है कि अगर मोदी को कोई करारा जवाब दे सकता है, टक्कर दे सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। इसीलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी ममता बनर्जी, अगर पूरा भारतवर्ष का समर्थन अगर उनको मिले तो प्रधानमंत्री के रूप में आएगी। और जिस तरह पश्चिम बंगाल को आगे लेके गई है, इतने सारे प्रकल्प ला कर लोगों को सुविधा के लिए काम कर रही है, भारतवर्ष के लिए भी ये प्रकल्प मुहैया करवाएगी और लोगों को मदद करेगी। हमारे साथ थे अमित गुप्ता, हिंदी प्रकोष्ठ के जिला सभापति, जिन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगी और अहम मुद्दा जीडीपी का ही रहेगा और इसी मुद्दा को लेकर लोकसभा चुनाव में जो है कि लड़ाई जो है बड़ी जोरों जोर से रहेगी। कैमरामैन मोहन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, धन्यवाद। सुस्वास्थ्य सेरा ठिकाना रॉयल केयर फार्मेसी, এখানে রয়েছে বিভিন্ন চিকিৎসকদের চেম্বার, রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষা এবং আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স সহ 24 ঘন্টা অক্সিজেন পরিষেবা। শুধু তাই নয়, ঔষধের ওপর পাচ্ছেন 15-24% পর্যন্ত ছাড়। মনে রাখবেন, রয়্যাল কেয়ার ফার্মেসি, পশুপতিনাথ হাউজিং কমপ্লেক্স, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পথ, কাঞ্চনাপাড়া।